नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैनी सिन न्यूज के इस उत्साहपूर्ण एवं खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राशिफल एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सभी हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। जी हां, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ खास आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। तो इन्हीं कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए खास ग्रैंड इसे न्यूज द्वारा इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसलिए आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहे। दर्शकों ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 7 अगस्त से 13 अगस्त तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह इस राशि के जातकों का समय मिला जुला रहेगा। मंगल के प्रभाव के कारण इस राशि के जातक उत्साहपूर्ण रहेंगे। कोई बड़ी विजय मिल सकती है, परंतु थोड़ी सावधानी बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय मिला जुला रहेगा। सोच समझ कर बाजार में पैसा लगाएं। परिस्थितियां पटरी पर आएगी और लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। आपके लिए शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हफ्ते की शुरुआत 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करके करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस हफ्ते आप पिछले कई नुकसानों की भरपाई करेंगे एवं समस्याओं से निपटने की सार्थक पहल होगी। मंगल एवं बुधवार आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी आय में कमी होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को समय अनुकूल रहेगा। ऋणादी मामलों को निपटाने के लिए राह भी बनेगी। आपको इस हफ्ते में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। शनिवार का दिन सबसे अच्छा दिन रहेगा। आपके मित्रों का सहयोग एवं मुलाकात हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंदन का तिलक लगाकर करें। तो चलिए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने के आसार हैं। भाई बहनों से आपके संबंध उत्तम रहेंगे। आपको अपने संतान से कम सहयोग प्राप्त हो सकता है। संतान का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको सतर्क रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह के आखिरी दिन आपके लिए उत्तम और फलदायक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। इस हफ्ते को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यद्यपि कुछ ग्रहों की स्थिति जातक के कार्यों को ऊंचाई प्रदान कर सकती है, लेकिन शुक्र के प्रभाव के कारण मन थोड़ा विचलित हो सकता है। सावधानी बनाए रखें। इस सप्ताह इस राशि वालों को सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव के साथ चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनी रह सकती है। बाजार एवं शेयर मार्केट में भी सोच समझ कर पैसा लगाए, नहीं तो हानि की संभावना बन सकती है। आपके लिए शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि, सप्ताह के आरंभ में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके निकट के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। मंगलवार की सुबह से भाग्य अनुकूल रहेगा। बुधवार से आपको आर्थिक लाभ मिलेंगे। विरोधी को परास्त करने में सफल होंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को साझेदारों से गुप्त बातें साझा न करें। ज्यादा उत्साह से भी आपको नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह छोटे धार्मिक यात्रा पर आप सकते हैं। सप्ताह के अंत में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए शुभ अंक 5, शुभ रंग नारंगी। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा को जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि, यह सप्ताह आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला होगा। अचानक कोई बड़े लाभ के आसार बनेंगे। नई संपत्ति खरीदने वालों के लिए समय शुभ है। कार्य आपके मन मुताबिक होगा एवं सुखद समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है। मंगल एवं बुधवार को छोटे मोटे विवाद मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु उनको नजरअंदाज करें। आपकी आय थोड़ी कम हो सकती है। गुरु एवं शुक्रवार विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। कुमारों को विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। आपके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग कत्था। जातक इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप करके करें। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, इस सप्ताह आपको अपने व्यवहार पर काबू करने की आवश्यकता है। किसी से भी झगड़ा करने से बचें। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने तथा आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे। आपको किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिल सकता है, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर पड़ने ना दें, क्योंकि आगे चल के आप अपनी बुद्धिमत्ता
सफलता से सब सुलझा लेंगे, बस गुस्से में काबू रखें। आपके लिए शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत आप किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी पुस्तक भेंट करके करें। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह आपके लिए अनेक लाभदायक स्थितियां आपके लिए बनने वाली है। नौकरी पेशा के करियर में उन्नति आएगी। व्यापारी अपने कार्य का विस्तार करेंगे। इस सप्ताह नए प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। परिवार के साथ धार्मिक मनोरंजक पर्यटन का सुअवसर आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहरी खान पान का ध्यान रखें। आर्थिक लाभ के अवसर आपको मिलते रहेंगे। आपके लिए शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। आप इस सप्ताह की शुरुआत मंदिर का प्रसाद खाकर करें, सप्ताह अच्छा जाएगा। अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि, यह समय आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने वाला है। अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करना होगा। संतान पक्ष को कष्ट हो सकता है। शारीरिक रोग परेशान करेंगे। प्रेम संबंध में भी टकराव की स्थिति बनेगी। इस सप्ताह खर्च की अधिकता रहेगी। नौकरी पेशा उच्च अधिकारियों से अनबन की संभावना है। आपको अपने व्यापार में विस्तार करने की भी आवश्यकता है। आपके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह लाभदायक और उन्नतिदायक रहेगा। इस सप्ताह आपके आर्थिक संकटों का समाधान मिलने वाला है। धन की कमी के कारण जो काम अटक रहे थे उनमें अच्छी स्थिति बनेगी। नौकरी में उन्नति और व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी में काम प्रारंभ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध मधुर रहने वाले हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य पर हो रहे खर्चे में भी कमी आएगी। आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। मकर राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कुछ चुनौतियां भी रहेगी लेकिन उनसे आप पार पा लेंगे। मित्रों का पूरा सहयोग मिलने से बड़े काम भी बन जाएंगे। नौकरी पेशा को उन्नति के अवसर मिलेंगे। कारोबारियों को लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य में पहले से सुधार आएगा। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। नए प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग आसमानी। जातक, सप्ताह को शुभ बनाने के लिए उपाय के तौर पर सप्ताह की शुरुआत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके करें। अब बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि, यह सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। लोग इस सप्ताह आपसे प्रभावित रहेंगे। आर्थिक लाभ के अनेक अवसर आपको मिल सकते हैं। भूमि संपत्ति भौतिक सुखों पर खर्च करेंगे। नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। माता पिता परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। संतान पक्ष की ओर से उत्साहजनक समाचार मिलने वाला है। परिवार में मांगलिक प्रसंग आएंगे। इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल अर्पित करके करें। इसलिए दर्शकों, इसी तरह हमारा ये खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।